नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं देख न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ पवन तिवारी। उत्तर प्रदेश की खुफिया एजेंसी को यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी को एक व्हाट्सएप आया है और व्हाट्सएप में क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि अयोध्या पर हमला करने की आतंकी साजिश रची जा रही है। ये एक व्हाट्सएप आया है 112 डायल नंबर पर, और आपको बता दें कि कथित तौर पर IPS हैं उनके द्वारा ये मैसेज भेजा गया है, और ये बताया गया है कि अयोध्या राम मंदिर पर हमला करने की आतंकी साजिश रची जा रही है। इसके बाद पुलिस हो, खुफिया एजेंसी हो और सरकार खुद भी अलर्ट हो गई है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि पंजाब के अमृतसर गोल्डन टेंपल में हाल ही में एक घटना हमने देखी, और इसके बाद भीड़ ने पीट पीट कर उस व्यक्ति की भी हत्या कर दी। लिंचिंग का भी मामला देखने को मिला, लेकिन इसके बाद हम देखें कि पंजाब के जो अमृतसर में एक घटना हुई उसके बाद सरकारें सतर्क हो गई हैं। सरकारों का ये मानना है कि किसी तरीके से ऐसी घटनाओं को रोका जाए, और साथ ही इंटेलिजेंस को भी इसकी जाँच दे दी गई है अमृतसर मामले की। खुद मुख्यमंत्री चन्नी ने भी इस बात का फैसला लिया। साथ ही आपको बता दें कि अगस्त के महीने में जम्मू कश्मीर के अंदर जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को भी गिरफ्तार किया था, और वो भी तैयारी कर रहे थे कि जन्मभूमि राम जन्मभूमि और पानीपत की रिफाइनरी पर हमला किया जा सके। साथ ही साथ उससे पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने एक अपनी सतर्कता दिखाते हुए, अपनी तेजी को दिखाते हुए, अपने इंटेलिजेंस को दिखाते हुए उस पूरे जो हमले की साजिश रची जा रही थी उसका भंडाफोड़ कर दिया। और आपको बताएं तो उस 4 आतंकवादियों का जो पकड़े गए थे उनका कनेक्शन सीधे जैश ए मोहम्मद के आतंकी से था, पाकिस्तान से वो संपर्क में थे, और बताया जा रहा है कि 3 उसमें से कश्मीर के रहने वाले थे और 1 उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला था। साथ ही उनका जो उनकी तैयारी थी, उनका जो प्लान था, वो था कि 15 अगस्त के मौके पर देश को एक बम धमाका किया जा सके देश के अंदर, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने अपनी सतर्कता दिखाते हुए उस हमले की साजिश को नाकामयाब किया। लेकिन अभी ये जो व्हाट्सएप आया है, राम जन्मभूमि पर एक हमले की साजिश रची जा रही है, बम धमाके की साजिश रची जा रही है, उसको लेकर पुलिस सतर्क हो चुकी है। बताया जा रहा है कि जिस नंबर से व्हाट्सएप आया है वो गुजरात का है, और ऐसे में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस इस मामले में भी जांच कर रही है कि जो व्हाट्सएप आया है, जिस नंबर से व्हाट्सएप आया है, क्या वो पुलिस की चुटकी लेने के लिए या किस तरीके की मजाक की घटना को अंजाम देने के लिए किया गया, या किसी के द्वारा पुलिस को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, इस मामले में भी जांच की जा रही है। लेकिन इस वक्त अभी पुलिस और सुरक्षा बल सतर्क हो चुके हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ सतर्क हो चुकी है, वहीं सरकार भी इस मामले को लेकर सीरियस हो चुकी है, और सरकार ने भी तैयारियाँ कर ली है कि किस तरीके से पूरी आतंकी हमला जो भी घटना होगी उसको नाकामयाब किया जा सके। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और इसी तमाम जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।